अंडे मिले हैं और अंडे पड़े हैं ये अंडे पड़े हैं। जब भी मैं इसके अंडों के पास जाता हूँ ये आ जाता है, आपको दिखा लूँ, ये इसके अंडे हैं और वो आ रही है और वो फौरन आ चुकी है और ये है ना, वो फिर मुझे इसके साथ मुकाबला करना पड़ जाए। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गांव व्लॉग के अंदर। यार एक तो आपके भाई ने जब से व्लॉगिंग छोड़ी है यार, बीच में बहुत सारा गैप आ गया, सारे के सारे डायलॉग ही भूल गए हैं यार, लेकिन कोई बात नहीं, एक रात लगा के यार सारे याद कर लेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग ने यार करना सिर्फ एक काम है, नीचे जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर बस यार इस तरह सब्सक्राइब कर देना। जब तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो यार बड़ा दुख लगता है, लेकिन जब लोग तुम लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हो तो एक यार मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। आज मैं गांव हूँ तो दूसरा दिन है गांव में, तो यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, रात खुसूसन रात बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और तुम लोग चेक कर सकते हो सब्जा, ओ माशाल्लाह बड़ा प्यारा गांव है। और यहाँ से नीचे से यार असल में सही पता नहीं चलता, अगर ड्रोन हो ना माशाल्लाह ड्रोन से बड़ा अच्छा व्यू आता है। यार ये सामने थोड़ा सा यहाँ पे भी बीजा लगा हुआ है, तो ये है चावल के लिए। अभी यार ये बहुत छोटा छोटा है, जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, ये देखे अभी बहुत छोटा है और कहीं कहीं पे उगा हुआ है, तो ये तकरीबन 10-15 दिन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसको इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकाल के दोबारा जहाँ पे चावल की फसल लगानी है वहाँ पे लगाएंगे। यार आप लोगों को बताया था कल, क्योंकि ज्वार लगा रहे थे गाय भैंस के लिए, उनका चारा बनाना होता है तो यही मौसम होता है, तो शायद थोड़ा सा हम लेट भी हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं यार लगाएंगे आज इंशाल्लाह। कल वो पानी में भिगो के रख गए थे इधर, तो अभी इंशाल्लाह आज लगाएंगे, अभी उसी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ थोड़े से धूप का इंतजार है, क्योंकि अभी 7 बजे हैं सुबह के, तो सूरज इतना ज्यादा नहीं निकला, थोड़ा सा और सूरज अगर निकला तो फिर सोलर पैनल चलाना है, तो फिर साथ पानी भी लगाएंगे और फिर वो जो टुकड़े करके रखे थे छोटे छोटे तो उनको लगाएंगे। यार अब इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यू व्लॉग लाजमी डालेंगे यार, क्योंकि तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पहले बस ऐसे ही मजे शुगर ले रहे थे, लेकिन अब काफी सपोर्ट मिलती है, तो अब इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यू वीडियो बनाएंगे। यार अगर तुम लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो यार ऊपर यूट्यूब के लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक को लाजमी फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर लो। सूरज को देख सकते हो, ये अभी इतना ऊपर आ गया है, अभी तक 7 बजे हैं, तो भाई गांव में सूरज कहता है भाई जल्दी जल्दी उठो काम शाम करो, वरना मैं आ रहा हूँ फिर, अगर मैं आ गया तो फिर तुम लोगों ने काम नहीं कर सकना। 7 बजे आँख ही नहीं खुलती शहर में, तो वो ऐसे चलता है यार, अभी सुबह के 4 हुए हुए हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और ट्यूबवेल को चलाते हैं, काट के रख गए थे ज्वार को, उसको अब लगाना है क्योंकि छोटे छोटे करना लाजमी होता, तो उनको देखते हैं कि अभी तक गीली हैं या खुश्क हो चुकी हैं, कुछ ये पड़ी हैं और यहाँ पे तो पानी है बिल्कुल नहीं खड़ा, नमी है इनके अंदर, थोड़ी सी मैंने उठा ली है और इनको लगाना इस तरह है, इस तरह एक पकड़ी, क्योंकि जो पहले लगाई थी ना ऊपर सीधी सीधी बाहर इस तरह ऊपर, तो वो अभी तक हुई भी नहीं है, लेकिन जो ज़मीन के अंदर लगाई हैं ऊपर से मिट्टी आ गए वो उगना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी हैं, तो अभी ये डिसाइड किया कि इसको जो नीचे रख के इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, और अब ये इस तरह थोड़ी जब ज़मीन के अंदर ज़्यादा दब जाएंगी तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उगेंगी, क्योंकि जो ये ऊपर ऊपर लगाई हुई हैं तो ये अभी तक उगना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उस तरफ ज़मीन के अंदर लगाई हैं वो ये सारी, तो वहाँ पे उगना शुरू हो गई हैं। तो गाइस हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कंप्लीट कर दी हैं, लगा दी हैं इधर, और अब इधर पानी लगा दिए, अभी ये एंड वाली जगह रहती है थोड़ी सी, इसमें अभी लगाई हैं, इसमें कल के लगी थी और अभी पानी लगा दिए, तो इसमें भी अभी पानी लगाना है, यहाँ से पानी आ रहा है तो अभी फ़िलहाल इसको इधर लगाया है पानी, तो इन दो इसमें लगा दिए हैं अभी, आज सुबह लगाई हैं ये सारे छोटे छोटे टुकड़े किए थे, तो इसमें लगा के आप ये एंड वाली जगह ये रहती है ये वाली, तो यहाँ पे आप इंशाल्लाह लगाएंगे, थोड़ी सी और टुकड़े करने वाली रहती हैं वो उधर पड़ी हैं,
चलते हैं। सोलर भी चल रहा है और धूप भी काफ़ी निकल आई है और गर्मी काफ़ी बन चुकी है। टुकड़े किए थे वो तो सारे अब लग चुके हैं, तो अब ये पड़े थोड़े से खुश्क हो चुकी है। असल में ये लगाते इस तरह कि जो ज्वार पहले लगी हुई होती हैं ना, उनको काट के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जिस तरह गन्ने की फसल लगती है उस तरह काट के इनको लगाते हैं। और कुछ भाई समझ रहे थे कि शायद गन्ने की फसल लगा रहे हैं, नहीं गन्ने वाली फसल नहीं है, ज्वार लगा रहे हैं। तो अभी इसके बैठ के टुकड़े करते हैं, सारे टुकड़े कर दिए हैं ये। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि सारा वो ऊपर से मिक्स हुआ पड़ा है, उसके ऊपर से जो कवर होता है उसका, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ये इतने इतने कर दिए हैं सारे टुकड़े, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हुए पड़े हैं तो आपको सही कैमरे में नज़र शायद ना आए, लेकिन अब यही थोड़े से रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे हो गए हैं। इनको फेंकते हैं ऊपर से, फिर मिट्टी डालेंगे। पंजाबी में वो जो कहते हैं कि मिट्टी पा, वो वाली मिट्टी नहीं पानी, बस ये इसके ऊपर इसको नीचे रख के ऊपर से इसको दबा देना है यानी ज़मीन के अंदर। तो चलें ये फिर उठाते हैं, उठा के फिर उधर लगाते हैं और फिर ट्यूबवेल में नहाएंगे, फिर इंशाल्लाह घर, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है, 10 बज गए हैं तकरीबन। गांव में तो वैसे ही धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन आज मौसम काफ़ी कदर बेहतर है, कल से बेहतर है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ये दबाने के बाद। तो अभी यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़े जो ज्वार के किए हुए थे वो फेंक रहा था, तो ये देखें इस तरह फेंक के जा रहे हैं, लाइन में फेंक रहे हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो अभी सीन ये हुआ है कि यहाँ पे मुझे अंडे मिले हैं, और अंडे वो हैं यहाँ पे, वो परिंदा आता है, ये जो परिंदा सामने है ये नज़र आ रहा हो शायद, ये वाला ये जो आ रहा है, इसके मुझे अंडे मिले हैं और अंडे पड़े हैं, ये अंडे पड़े हैं। अब इनका क्या करें, पका के तो वैसे नहीं खा सकते। तो ये जो परिंदा है इसके अंडे हैं, ये फिर उतार देते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी फेर रहे हो, भी देखते हैं फिर इनका क्या करें। गाइस परिंदा बिल्कुल मेरे करीब आ चुका है और ये फेर रहा है, और इसके अंडे ये पड़े हैं। तो वैसे उनको माशाल्लाह इनकी यादाश्त इतनी होती है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसे बनाया कि आप मतलब जिस एरिया में उन्होंने उतारे उनको पता है, हालांकि ये इतनी सारी जगह पड़ी हुई है कहीं भी उतार सकते हैं, हम एक कहीं इतनी सारी जगह में चाबी रख दें तो फिर याद ही नहीं रहती। तो वो मैं उसके अंडे के पास खड़ा हूँ, वो बिल्कुल मेरे करीब आ, वो बिल्कुल करीब आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ जा आ जा आ जा। जब उसके अंडे के पास मैं खड़ा था तो वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई थी, तो अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल में उसने अंडे उठाने हैं, तो वो ये देखे अंडे, उसको पता है और अंडे के पास आ रही है, बिल्कुल अब तो करीब आ चुकी है, ये खड़ी है और ये इसके अंडे पड़े हैं इधर, वो अपने अंडों के ऊपर बैठ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस सब कुछ लगा दिए, कंप्लीट हो गई है, ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ये ऊपर खड़ी करके इसलिए लगाई है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं जा सकता, तो नीचे से जगह सख्त है तो वो ऊपर खड़ी करके लगाएंगे, क्योंकि हर जगह पे खड़ी करके नहीं लगा सकते थे क्योंकि टाइम काफ़ी लगता था, जहाँ पे जगह नरम थी और निचली जगह थी वहाँ पे हमने नीचे रख दिया। और ये परिंदा फिर रहा है, रोला इसने डाला हुआ है, जब भी मैं इसके अंडों के पास जाता हूँ ये आ जाता है और ऊपर घूमने लग जाता है, मैं थोड़ा सा कहीं उधर साइड पर चला जाऊँ तो फिर ये गायब हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे नीचे अब रेत काफ़ी गर्म हो चुकी है, और अब इसने जो रोलर डाला हुआ है मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रही, तो यहाँ से कहीं चलते हैं वहाँ पे साइड पे कहीं। इसके अंडे के पास मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, ये इसके अंडे पड़े शायद नज़र आ रहे हैं कैमरे, पहले मैंने समझा था किसी और चीज़ के अंडे हैं शायद सांप वगैरह के, लेकिन फिर जब अबू से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके हैं। अब इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, ज़्यादातर इस तरह के जानवर परिंदे उस वक्त आते हैं जब लगा रहे होते हैं ना पानी वगैरह खेतों को, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। गाइस ये मैंने इसके अंडे उठा लें, अभी तक वो कहीं गई हुई है, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा लूँ, ये इसके अंडे हैं और वो आ रही है और मैं रख दिए वहाँ पे, क्योंकि वो फौरन आ चुकी है और ये है ना फिर मुझे इसके साथ मुकाबला करना पड़ जाए, तो रख दिए वहाँ पे पड़े रहे।
अब एक और छोटा सा काम करना है कि ये ट्यूबवेल जा रहा था, इसका पानी अभी फ़िलहाल इधर जा रहा है, तो इधर से बंद करना है और इस जगह को ओपन कर देने ताकि इस तरफ अब पानी लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और टाइम तकरीबन 11:30 हो गए, तो अभी नहाते हैं ट्यूबवेल में और हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और कपड़े भी नहीं हैं, तो बाकी फिर इंशाल्लाह चलते हैं घर नहा के, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह शाम को। ओके Hey।